हेलो एवरीवन। सो आफ्टर कंप्लीटिंग 11th एंड 12th स्टडीज, आप लोगों ने सबने सोचा होगा, कुछ ना कुछ सोचा होगा कि मुझे या सीए करना है या मुझे सीएस करना है या मुझे तो बिजनेस लाइन में ही जाना है यार, एमबीए कर लेता हूँ, राइट? तो ऐसे आपने डिफरेंट डिफरेंट फील्ड सोची होगी, तो ये आपने किस बेसिस पे सोची होगी कि यार नहीं, मुझे तो अगर प्रोफेशन में जाना है तो मैं सीए सीएस कर लूंगा, या मुझे तो अच्छा रिस्क लेना है, अच्छा प्रॉफिट चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग मैं तो बिजनेस करूंगा तो मैं तो एमबीए कर लूँ, या यार मैं तो सोच रही हूँ कुछ ना कुछ जॉब ही कर लूँ, फालतू की मगजमारी ही नहीं है उसके अंदर, तो जाओ और 5-6 आवर्स का ड्यूटी लगा के अपना अपना काम कर लो, डेट्स इट। तो उस केस के अंदर मुझे तो कोई रिस्क रहेगी नहीं, तो मैं तो जॉब ही कर लूंगी, तो उसके लिए तो मैं बीकॉम करूँ तो भी चलेगा, राइट? तो इस तरीके से हर एक स्टूडेंट ने कुछ ना कुछ तो सोचा ही होगा। तो वही हमारा आज का चैप्टर है, दैट इज नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। सो लेट्स स्टार्ट दैट। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर दैट इज नेचर, पर्पस एंड स्कोप ऑफ बिजनेस। सो फर्स्ट टॉपिक दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी? जब हम बोलते हैं कोई भी वर्क हम करते हैं, कोई भी एक्टिविटी की जाती है फॉर अर्निंग मनी, फॉर अर्निंग प्रॉफिट, फॉर द मॉनेटरी कंसिडरेशन, तो उसे बोला जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटी। आई एम टीचिंग हियर एंड आई एम टेकिंग समथिंग अमाउंट फ्रॉम यू इन रिटर्न, तो दैट इज व्हाट, दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेकिन अभी जब हम यूट्यूब पे क्लासेस ले रहे हैं तो दैट इज फ्री ऑफ चार्ज, तो व्हाट इज दैट, दैट इज नॉट इकोनॉमिक एक्टिविटी। जब कोई एक्टिविटी की जाती है फॉर अर्निंग मॉनेटरी कंसिडरेशन तो उसे बोला जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटी। जस्ट रीड द डेफिनेशन, दैट इज एनी एक्टिविटी कैरीड आउट विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ मनी कंसिडरेशन, तो उसे क्या बोला जाता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। अ फार्मर बाय प्रोड्यूसिंग फूड ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस करके क्या करेगा, फार्मर सेल आउट करेगा एंड देन ही विल जनरेट द इनकम फ्रॉम दैट, तो वो क्या हो गई हमारी एक तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्लियर? देन नेक्स्ट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, राइट? फुल रिवर्स ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी। जब हमने इकोनॉमिक देखा तो दैट इज फॉर अर्निंग मॉनेटरी कंसिडरेशन, बट जब हम बात करते हैं कि हम कोई एक्टिविटी करते हैं किसके लिए, फॉर नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन, फॉर नॉन बेनिफिट, तो उसे क्या बोला जाएगा, उसे बोला जाएगा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, राइट? इस एग्जांपल दिया है नर्सिंग एक्टिविटी बाय मदर फॉर हर चिल्ड्रन। अगर आपको आपकी मदर टीच करवाती है, ठीक है, आपको अगर वो पूरा सब कुछ सिखाती है, तो क्या उसके लिए वो चार्ज करेगी फीस? कैसा हो सकता है? Is it possible? Exams के पहले मम्मा पढ़ाती है, मम्मी आपका टेस्ट लेती है, तो क्या उस केस में मम्मा चार्ज करेगी आपके लिए फीस? नहीं करेगी। तो what is that? That is not economic activity. तो कोई भी ऐसी social activity हम बोलते हैं, या कोई भी हम social welfare करते हैं, हम कोई भी social needs fulfill करते हैं किसी का, तो उस केस के अंदर उसे बोला जाएगा that is non economic activity. Clear? Now next that is डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब हमने डेफिनेशन तो देख ली, मीनिंग देख लिए, अब इसमें डिफरेंसेस क्या है? फर्स्ट वन इज ऑब्जेक्टिव। अब ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक एक्टिविटी का क्या है, जो हमने मीनिंग से देखा उससे हमें समझ में आ गया इकोनॉमिक एक्टिविटीज फॉर अर्निंग प्रॉफिट एंड मॉनिटरी कंसिडरेशन, एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज फॉर दी सोशल सर्विसेज, ह्यूमन सर्विसेज, ये सब चीजें क्या हो गई हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। कोई भी सोशल वेलफेयर अगर आप कर रहे हो, सो वॉट इज दैट, दैट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। देन एक्सपेक्टेशन, सेकेंड इज एक्सपेक्टेशन, क्या होगा इकोनॉमिक में, प्रॉफिट, सैलरी, फीस, देन मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ, ये सब चीजें किस में आएगी आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी में। लेकिन वही अगर आप नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी देखोगे तो दैट इज सर्विस टू कंट्री, सोशल सर्विसेज। अब सोशल सर्विसेज क्या हो गया, जैसे अगर हम बात करते हैं कि अगर हमने किसी के रोड क्रॉस करवाए, हम देखते हैं ना कभी कभी चाइल्ड होते हैं छोटे छोटे, या फिर कोई एजेड वुमेन्स होती है, तो हम क्या सोचते हैं कि यार हम इनको रोड क्रॉस करवा देते हैं, तो दैट इज व्हाट, क्या आप उन्हें रोड क्रॉस करा के उनसे चार्ज करोगे कोई फीस? नहीं ना, तो आप क्या करोगे उनको, बस रोड क्रॉस करवा, दैट इज व्हाट, ये हमारे अंदर फीलिंग्स होती है कि हम उनको एक सर्विस प्रोवाइड कर देते हैं, तो दैट इज सोशल सर्विसेज। जो सोल्जर्स करते हैं अपनी कंट्री के लिए, तो वो सब क्या है, ये सब सोशल सर्विसेज है जो कि बिना चार्ज के, बिना कोई फीस के की जाती है। देन नेक्स्ट इज टाइप। अगर हम इकोनॉमिक एक्टिविटी देखें तो टाइप्स क्या आ जाएगा, बिजनेस, राइट? बिजनेस से आप प्रॉफिट अर्न करोगे, देन एम्प्लॉयमेंट, एंड देन प्रोफेशन। अगर आपको मॉनेटरी कंसिडरेशन चाहिए तो आप ये 3 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज कर सकते हो। देन फॉर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कोई उसमें टाइप नहीं है। देन रिस्क,
तो रिस्क की बात करें तो क्या होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी में तो होगा ही, आप कोई भी एक्टिविटी करो फॉर अर्निंग दी कंसिडरेशन, तो उस केस में रिस्क तो होना ही है, लेकिन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में रहेगा नहीं, वहां तो मनी की बात ही नहीं आती, और अगर मनी की बात नहीं आएगी तो वहां पे तो कोई रिस्क हो ही नहीं सकता. तो दैट इज व्हाट अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन द इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. क्लियर? नाउ टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, सो थ्री टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, दैट इज बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. सो वी विल स्टडी दिस वन बाय वन. सो लेट्स स्टार्ट विद बिजनेस. सो व्हाट इज बिजनेस? इट मींस एनी लीगल इकोनॉमिक एक्टिविटी विद द मोटिव ऑफ प्रॉफिट. अब सबको ही आपको पता होगा बिजनेस क्या होता है. आपके पेरेंट्स लोग, कितने लोगों के पेरेंट्स, स्टूडेंट्स के पेरेंट्स हम लोग बोलते हैं बिजनेस कर रहे होंगे, कोई टेक्सटाइल में कर रहा होगा, या कोई हम बोलते हैं रेडीमेड गारमेंट्स में कर रहा होगा, किसी का रिटेलर्स का शॉप होगा, किसी का होलसेलिंग का होगा. तो व्हाट इज दैट? दैट इज ऑल अबाउट द बिजनेस. तो क्या होता है, बिजनेस किया क्यों जाता है? क्या ऐसे ही हमें लॉस करने के लिए बिजनेस ओपन किया है? ऑब्वियसली नॉट मैम, क्या बोल रहे हो आप. तो ऑब्वियसली हम लोग ये पैसा कमाने के लिए, फॉर अर्निंग द प्रॉफिट, फॉर अर्निंग द ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, इसके लिए बिजनेस किया जाता है. जो ज्यादा रिस्क ले सकता है वही बिजनेस में जाता है. अगर फिक्स अमाउंट ऑफ मुझे तो सैलरी चाहिए तो क्या मैं जाऊंगी बिजनेस में? नहीं, क्योंकि हमें पता है बिजनेस में जितना रिस्क है उतना ही मैक्सिमम प्रॉफिट आपको बिजनेस में मिलेगा. अगर आप रिस्क नहीं ले सकते, यू डोंट हैव दैट मीन्स पोटेंशियल टू टेक द रिस्क, सो यू कांट डू एनी बिजनेस, राइट? तो बिजनेस बहुत टाइप्स के होते हैं. जैसे यहाँ पे मैंने एक डायग्राम आपको ड्रॉ करके दिखाया है कि इस पिक्चर के थ्रू आपको समझ में आया कि हाँ बहुत टाइप्स के बिजनेस होते हैं. दैट इज जैसे यहाँ दिया सर्विस का, है ना, सर्विस बिजनेस हो सकता है, देन रिटेलर्स, देन इंटरमीडियरीज एंड प्रोड्यूसर्स. तो ये बहुत टाइप्स के यहाँ पे बिजनेस हो सकते हैं. क्लियर? तो इस पिक्चर से आपको समझ में आ रहा है, सर्विसेज कोई भी टाइप की अगर सर्विस दी जा रही है, इंश्योरेंस कंपनीज अगर सर्विस दे रही है तो उनका भी बिजनेस है, राइट? अगर कोई वेब डिजाइनिंग का कर रहा है कोर्स तो वो क्या है, वो भी एक तरीके से सर्विस दे रहा है अगर हमें कुछ उससे रिलेटेड वर्क चाहिए तो. देन इंटरमीडियरीज, रिटेलर्स, रिटेलर शॉप खोली है, वो होलसेलर्स की शॉप होती है, तो दैट इज ऑल अबाउट द बिजनेस. इंटरमीडियरीज एजेंट्स वगैरह होते हैं, दैट इज. एंड देन अ प्रोड्यूसर हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती है, तो वो क्या है, वो भी बिजनेस है. दिस इज ऑल अबाउट द बिजनेस. क्लियर? नाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस. अब हम देखेंगे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई है बिजनेस के लिए. फर्स्ट वन इज क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी. वॉट इट मीन क्रिएशन? मीन्स हम यूटिलिटी कैसे क्रिएट करते हैं, ये थ्री फॉर्म से क्रिएट होगा. दैट इज बाय फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी एंड टाइम यूटिलिटी. फॉर्म यूटिलिटी मीन्स जब हम रॉ मटेरियल्स को कन्वर्ट करते हैं फिनिश गुड्स में, लाइक कॉटन है, अगर कॉटन को मैंने क्लोदिंग में कन्वर्ट किया तो दैट इज वॉट, दैट इज फॉर्म यूटिलिटी. देन प्लेस यूटिलिटी, वेयर द गुड्स आर प्रोड्यूस. जैसे हम प्रोडक्शन से जहां उनकी जरूरत है फॉर द कंजम्पशन, वहां तक मैंने गुड्स को क्या किया, ट्रांसपोर्ट करके पहुंचाया, तो वो क्या है एक तरीके से, वो हो गया प्लेस यूटिलिटी, कि जहां पे उनकी डिमांड है वहां तक मैं गुड्स को पहुंचा पा रही हूँ, तो दैट इज फॉर, दैट इज प्लेस यूटिलिटी. एंड टाइम यूटिलिटी, जहां पे जब वो गुड्स की रिक्वायरमेंट है, आप उस टाइम पे अगर गुड्स को डिलीवर कर पाते हो तो दैट इज टाइम यूटिलिटी. सो दैट इज थ्री टाइप्स ऑफ यूटिलिटीज, दैट इज फॉर्म, प्लेस एंड टाइम. फॉर्म में हमने देखा रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना, देन प्लेस के अंदर हमने देखा प्रोडक्शन से कंजम्पशन तक पहुंचाना, एंड टाइम में हमने देखा कि जिस टाइम रिक्वायरमेंट है गुड्स की वहां पे वो अवेलेबल करवाना. मेरे पास गुड्स है स्टोर किए हुए, लेकिन जब जरूरत है तो मैं वहां पे डिलीवर कर पा रही हूँ. दैट इज क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, इसे बोला जाता है बिजनेस. देन नेक्स्ट इज कंटिन्यूएंस ऑफ एक्टिविटी. अगर मैंने, मुझे बहुत शौक है कुकीज और बनाने का, तो मैंने क्या किया, घर पे बैठ के मैंने एक बार कुकीज बनाई, बहुत अच्छी बनी, और मैंने सोचा कि ये क्या कर रही हूँ मैं, एक तरीके से मैं जिसको जिसको चाहिए वो लेके जा सकता है, मैंने एक तरीके से सेल कर दी वो कुकीज को, बहुत सारी कुकीज मैंने बनाई और उसको सेल कर दिया. लेकिन क्या इसे हम बोलेंगे बिजनेस है? नहीं. क्यों? क्योंकि वो तो मेरा शौक था, तो मैंने बना लिया और उसको सेल कर दिया क्योंकि बहुत अच्छी लग रही थी लोगों को. तो या एक बार हम कोई गुड्स को बना के सेल करते हैं तो क्या उसे बिजनेस बोला जाता है? नहीं, उसे बिजनेस नहीं बोला जाता. लेकिन जब मैं ये कंटिन्यू में करूंगी तो उसे क्या बोला जाएगा, दैट इज बिजनेस. तो कंटिन्यूएशन होना बहुत जरूरी है. द नेक्स्ट इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज तो होगा ही. अगर मैं गुड्स सेल कर रही हूँ तो उसके बदले में मैं क्या लूंगी, मनी लूंगी, राइट? या मैं अगर सर्विसेज दे रही हूँ तो उसके बदले में मैं क्या ले रही हूँ, वहां पे वापस मैं मनी ले रही हूँ उनसे. तो दैट इज व्हाट एक्सचेंज. क्या ऐसे तो नहीं मैंने सिर्फ गुड्स दे दिए, मैं अगर कुछ अमाउंट नहीं ले रही हूँ, दैट इज नॉट द बिजनेस.
आप किसी को गिफ्ट दे रहे हो बर्थडे पे, मैरिजेस पे, तो क्या उनसे लेते हो? कुछ नहीं लेते हो, तो वो बिजनेस नहीं है। तो कभी भी हम कुछ लेते देते हैं तो उसके एक्सचेंज में अगर मैं मनी ले रही हूँ, सो दैट इज कॉल्ड दी बिजनेस। देन इकोनॉमिक एक्टिविटी, वो हमें पता है क्यों, क्योंकि मनी कंसिडरेशन के लिए होता है, तो दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। नेक्स्ट, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। मैंने बताया बिजनेस में सबसे ज्यादा रिस्क है, तो आप बोलोगे मैम बिजनेस करें क्यों? करना तो पड़ेगा। बिजनेस एक ऐसी चीज है, ऐसी प्लेस है जहां आप मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। अगर आप कोई जॉब में जाओगे तो आपका एक लिमिटेशन रहेगा, आपको इतना ही अमाउंट मिलने वाला है। लेकिन जब आप बिजनेस में करोगे, देखो रिस्क तो है क्योंकि आप बहुत लॉस में भी जा सकते हो, बट उतना ही प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हो ना। तो ऑब्वियसली इसीलिए हम बिजनेस करते हैं, क्योंकि अगर हमें बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत है, हम चाहते हैं कि हम बहुत सक्सेसफुल बने, तो उस केस में आप बिजनेस में ही जाओगे। तो रिस्क है बिजनेस के अंदर दैट यू हैव टू फेस। नेक्स्ट इज रिक्वायरमेंट ऑफ मनी। स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक आपको मनी की रिक्वायरमेंट तो होगी, क्योंकि बिजनेस में, क्योंकि अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल एस्टेब्लिशमेंट में जरूरत है, आगे आपको ग्रोथ करना है, एक्सपांशन करना है, आपको एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट है, सब जगह आपको क्या चाहिएगा? यू वॉन्ट द मनी, यू वॉन्ट द रिक्वायरमेंट ऑफ मनी। सो दैट इज वॉट रिक्वायरमेंट ऑफ मनी। देन नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट। ये क्यों करते हैं हम बिजनेस? फॉर अर्निंग प्रॉफिट। तो दैट इज ऑल अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। अब इसके अंदर मैंने ये मेमोरी टेक्निक दी है आपको, कि ये आपको बहुत जल्दी से लर्न इट हो जाए इससे, ठीक है? क्योंकि ओसी में ये इश्यूज आते हैं कि मैम हम याद कैसे करें, हमें समझ नहीं आता, हम पॉइंट्स को बहुत मिंगल्ड अप कर देते हैं, यहाँ का वहां कैरेक्टरिस्टिक्स का मैंने लिमिटेशंस में लिख दिया, एडवांटेज का डिसएडवांटेजेस हो जाता है, कैरेक्टरिस्टिक्स का इंपॉर्टेंस में चला जाता है, तो ये चीजें होती है। तो इसीलिए मैंने आपको एक मेमोरी टेक्निक दी है फॉर कैरेक्टरिस्टिक्स। मैंने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए आपको क्या दिया, एक मेमोरी टेक्निक दी है जिससे आप जल्दी से लर्न कर पाओगे। क्लियर है? तो क्या है इसमें मेमोरी टेक्निक? दैट इज सी स्क्वेयर, ई स्क्वेयर, आर स्क्वेयर एंड ओ। तो ये कैसे आपको पता चलेगा? सी स्क्वेयर इज फॉर क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी एंड कंटिन्यूएंस ऑफ एक्टिविटी। डबल सी हो गया तो मैंने उसको सी स्क्वेयर कर दिया। देन ई स्क्वेयर भी किसका हो गया? अपना एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो ई स्क्वेयर हो गया उसका। देन नेक्स्ट इज आर स्क्वेयर, दैट इज रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी एंड रिक्वायरमेंट ऑफ मनी, ये आर स्क्वेयर हो गया, एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट का ओ हो गया। तो इस तरीके से मैंने ये स्क्वेयर को कर दिया, जो कि टू टू टाइम्स थे, उसको स्क्वेयर में कन्वर्ट कर दिया एंड ओ। तो ये आपको याद हो जाएगा इजिली, दैट इज सी स्क्वेयर, ई स्क्वेयर, आर स्क्वेयर एंड ओ। क्लियर? नाउ सम ऑब्जेक्टिव्स आर गिवन फॉर द बिजनेस, दैट इज इकोनॉमिक एंड सोशल। फर्स्ट ऑफ ऑल इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हम देखते हैं, इसके अंदर हमें कुछ इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स दिए। फर्स्ट वन प्रॉफिट, हमें पता ही है कि हमारा बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है, फॉर अर्निंग प्रॉफिट। सो फर्स्ट इज प्रॉफिट, सेकंड मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ। अब प्रॉफिट एंड मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ में डिफरेंस क्या है? अब बोलोगे मैम वेल्थ और प्रॉफिट तो एक जैसे हो गया। नहीं, प्रॉफिट मीन्स हम बोलते हैं कि एवरी ईयर प्रॉफिट गोज एंड कम्स, राइट? कोई ईयर में आपको प्रॉफिट हो गया, कोई में आपको लॉस हो गया, सो इट कम्स एंड गोज लाइक दैट। लेकिन मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ में क्या हो गया कि मैं बोलूंगी यार आज की डेट में मेरी वेल्थ क्या है, आज तक मैंने कितनी सेविंग्स कर ली, दैट इज मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ। क्योंकि प्रॉफिट तो आता जाता रहता है, बट उस प्रॉफिट में से आपने कितना सेव किया है? 10 ईयर्स हो गए मेरे पास, मुझे बिजनेस स्टार्ट किए हुए, अब मैं आज की डेट में देखना चाहती हूँ मैंने क्रिएट कितना किया है वेल्थ, दैट इज सेविंग्स। उसे बोला जाता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ, कि आगे कोई कंटिजेंसी आ गए तो मेरे पास कोई पैसा तो होना चाहिए, मेरे पास कुछ सेविंग्स होनी चाहिए ना, तो उसे बोला जाता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ। तो मेरा अचीवमेंट ये रहता है, ऑब्जेक्टिव, कि मैं ज्यादा से ज्यादा वेल्थ को क्रिएट करूं। देन नेक्स्ट इज अदर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। तो प्रॉफिट अर्न करना है मुझे, मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ करना है, एंड लास्ट मुझे क्या करना है, मैं सोचती हूँ एक्सपांशन करने का, राइट? हम यही सोचते हैं कि हमारा ग्रोथ होता रहे, हमारे बिजनेस में जितना हो सके एक्सपांशन होता रहे, नई नई टेक्नोलॉजीज में यूज करती रहूं। तो ये सब क्या है, मेरे अदर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स है। अब वैसे ही हम कुछ देखेंगे यहाँ पे, कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी दिए। फर्स्ट वन ऑब्जेक्टिव और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब सिर्फ मेरा एम ये नहीं होना चाहिए कि मुझे प्रॉफिट अर्न करना है, मुझे मेरे कस्टमर्स का सोचना पड़ेगा। तो उस केस के अंदर मैं मेरे एम्प्लॉयज का भी सोचूंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी एम्प्लॉयज के लिए भी रहेगी, उनको प्रॉपर वेजेस देना, उनका ध्यान रखना, उनको अलाउवेंसेस देना। उनको हम देखते हैं मेडिकल अलाउवेंस दे दिया हमने, हाउसिंग अलाउवेंस दे दिया, मीन्स अलाउवेंसेस मतलब कुछ अमाउंट देना। मेडिकल अगर कोई ट्रीटमेंट उनके यहाँ करवा रहा है तो उसके लिए मैंने कुछ अमाउंट उनको दे दिया। तो ये सब क्या है, उनके लिए कुछ फैसिलिटीज क्रिएट करना। वैसे ही अगर मैं देखूंगी कुछ मेरे क्रेडिटर्स है तो उनको अमाउंट जा रहा है टाइमली,
दैट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मेरे कस्टमर जो है उनको अच्छे गुड्स प्रोवाइड हो रहे हैं, उनको चीपेस्ट रेट पे हो रहे हैं, उनको ज्यादा ऐसे तो नहीं लग रहा बहुत ज्यादा हाई रेट्स है, तो ये सब चीजें मेरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। देन नेक्स्ट इज प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। अब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आप कैसे क्रिएट कर सकते हो? जब आप ज्यादा से ज्यादा एक्सपांशन करोगे, ग्रोथ करोगे, तो उससे क्या होगा, उससे आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करोगे लोगों के लिए। आप बैकवर्ड एरियाज में जाके अपनी कंपनी स्टार्ट करो, कोई बिजनेस स्टार्ट करो बैकवर्ड एरियाज में, तो उन लोगों को वहां ज्यादा जरूरत है। तो इस तरीके से मेरा ये भी ऑब्जेक्टिव रहता है कि मैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करूँ। देन नेक्स्ट इज प्रोवाइड क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज। ऑब्वियसली आप क्वालिटी गुड सर्विसेज दोगे तो नेक्स्ट टाइम आएंगे ना कस्टमर्स। अगर आप ऐसे ही दे दोगे जिसमें भी क्वालिटी है ही नहीं, 4 दिन बाद देखा मैंने तो मेरा कपड़ा जो था वो तो फट गया, तो फिर क्या हुआ, क्या आएगा कस्टमर वापस? नहीं आएगा। तो आपको क्वालिटी गुड्स और अच्छे से अच्छी सर्विसेज देनी चाहिए। क्लियर? देन नेक्स्ट इज अडॉप्ट फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस मीन्स ब्लैक मार्केटिंग मत करो, स्मगलिंग मत करो, कम रेट में आपने गुड्स ले लिया, ज्यादा पे आपने उसको सेल आउट कर दिया, तो ये सब चीजें क्या है, वो गलत है। अगर आप क्या कर रहे हो, मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग कर रहे हो, गलत एडवर्टाइज करके आप शो कर रहे हो कि लोग कस्टमर्स अट्रैक्ट हो, दैट इज ऑल्सो नॉट गुड। तो ये सब चीजें हमें नहीं करनी चाहिए। एंड लास्ट इज अदर ऑब्जेक्टिव। तो अदर सोशल ऑब्जेक्टिव हमारे क्या हो सकते हैं? हम हमारे एम्प्लॉयज का ध्यान रखें, उनके लिए इंसेंटिव क्रिएट करें, उनके लिए फैसिलिटीज दें। तो ये सब चीजें क्या है, ये सब हमने कुछ इकोनॉमिक एंड कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव यहाँ पे देखे, जो कि एक बिजनेस में एक बिजनेसमैन फॉलो करता है। क्लियर? देन नेक्स्ट इज बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क, प्रॉफिट इज अ रिवार्ड अगेंस्ट बिजनेस रिस्क। ये चीज मैंने कहा, जितना ज्यादा रिस्क है उतना ही ज्यादा प्रॉफिट है। आप रिस्क इसीलिए ले रहे हो, क्यों? क्योंकि आपको पता है इससे आपको प्रॉफिट मिलेगा। सो दैट इज बिजनेस रिस्क। अब बिजनेस रिस्क डिवाइडेड इंटू टू पार्ट, दैट इज नेचुरल एंड मैन। अब नेचुरल में आप क्या बोलोगे कि यार बिजनेस है, कभी भी स्ट्राइक हो सकती है, कभी भी, सॉरी स्ट्राइक नहीं, कभी भी हम बोलते फ्लड आ सकता है, साइक्लोन हो सकता है, अर्थक्वेक आ सकता है, तो ये सब क्या है, क्या ये नेचर हमारे कंट्रोल में है? नहीं है। क्यों? क्योंकि नेचुरल कैलामिटीज कभी भी हो सकती है बिजनेस में, और जिससे हमारा पूरा बिजनेस क्या हो सकता है, डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो एक तरीके से नेचुरल रिस्क है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। नेक्स्ट इज मैन मेड। ये हमारे कंट्रोल में होती है, लेकिन अब इसमें हम क्या करें कि अगर मैं बोलूं कि डिमांड क्या हो गया, डिमांड डिक्रीज हो गया, उस केस के अंदर एम्प्लॉयज ने स्ट्राइक कर दी, तो अब इस केस में क्या, ये सारे रिस्क यहाँ पे प्रिवेल हो सकते हैं। गवर्नमेंट के कुछ रेगुलेशंस आ गए, राइट? गवर्नमेंट ने कुछ टैक्सेस इंक्रीज कर दिए, गवर्नमेंट ने ऐसे प्रोडक्ट बैन कर दिए जो हम क्रिएट कर रहे थे, तो ये सब क्या है, ये सब कुछ क्या है, मैन मेड रिस्क है, जो हम बोलते हैं कि क्रिएट हो सकते हैं बिजनेस के अंदर। तो ये दो टाइप के हमने यहाँ पे रिस्क देखे। क्लियर? नाउ कॉसेस ऑफ बिजनेस रिस्क। अब कॉसेस ऑफ बिजनेस रिस्क के अंदर हम देखते हैं, बिजनेस रिस्क तो है, बट क्या रीजन से बिजनेस रिस्क हो सकता है? फर्स्ट इज चेंज इन टेक्नोलॉजी। ऑब्वियसली हम देखते हैं यार कि अभी तो मैं ये मशीनरी लेके आई, कुछ 6 मंथ्स के बाद कोई ऐसी मशीनरी आ गई जिससे बहुत अच्छे क्वालिटी गुड्स क्रिएट हो रहे हैं, जिससे बहुत अच्छी उसकी एफिशिएंसी इतनी ज्यादा है कि बहुत ज्यादा प्रोडक्शन ऑफ गुड्स वो कर देती है विद इन 1 आवर। तो अब क्या हुआ, जो सारे मैन्युफैक्चरर्स थे वो तो वो मशीन लेके आ गए, तो क्या मुझे भी लाना पड़ेगा? मुझे लाना पड़ेगा, अगर मुझे बिजनेस में टिकना है, मार्केट में रहना है, तो मुझे तो वो मशीनरी परचेस करनी पड़ेगी। तो ये रिस्क है ना यार, मशीनरी कितने कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है मशीनरीज में। तो वही चीज बोल रहे हैं वो कि ये रिस्क है कि ऐसे टेक्नोलॉजी चेंज होती है और उसके अकॉर्डिंग हमें अपडेट रहना पड़ता है, और अपडेट रहने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, नहीं तो हम तो पीछे रह जाएंगे, मार्केट से हम बाहर भी कभी भी हो सकते हैं। तो एक तरीके से रिस्क प्रिवेल होती है। नेक्स्ट इज दैट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। अब सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट क्या हो गया, कोक एंड पेप्सी हम बोलते हैं, टी एंड कॉफी हम बोलते हैं, ये सब क्या है कि टी नहीं तो कॉफी तो चली जाएगी, राइट? कोई भी आते हैं हमारे यहाँ गेस्ट, तो हम बोलते हैं ना, व्हाट यू लाइक टू टेक, टी और कॉफी? तो क्यों हम टी के साथ कॉफी बोलते हैं, क्यों? क्योंकि कोई कॉफी नहीं तो टी तो ले ही लेगा, टी नहीं तो कॉफी तो ले ही लेगा। तो वही चीज वो बोल रहा है कि अगर हम कोक एंड पेप्सी में देखें कि कोक की रेट अगर कम हो गई तो लोग क्या करेंगे, डिमांड ऑफ कोक इंक्रीजेस, क्यों? क्योंकि एक जैसे तो लगते हैं दोनों। तो उस केस के अंदर पेप्सी की रेट अगर ज्यादा है तो मैं क्यों कोक लूंगी, मैं तो कोक पे ही जाऊंगी क्योंकि उसकी ऑलरेडी उसकी रेट कम है। तो इस तरीके से अगर कोई सब्स्टिट्यूट गुड्स प्रिवेल होता है तो वो हमारे लिए कंपटीशन, एक थ्रेट हो जाता है कि मैं जो प्रोडक्ट बना रही हूँ सेम वैसा ही प्रोडक्ट अगर कोई सब्स्टिट्यूट मार्केट में आ गया तो यार मेरी तो लग गई, है ना? क्यों? क्योंकि अगर स्टार्ट किया उसने, रेट अपनी कम रखी है, तो मेरी ऑब्वियसली डिमांड यहाँ पे कम हो जाएगी, तो एक तरीके का ये भी रिस्क हो जाएगा। देन नेक्स्ट इज कॉम्पिटिशन।
मार्केट में इतना ज्यादा कंपटीशन है तो रिस्क तो होना ही है। हम कोई भी फील्ड में देख ले, हम गारमेंट्स में देख ले, हम एडुकेशन में देख ले, हम सलून में देख ले, कोई भी चीज में आप देख लो, इतना ज्यादा कंपटीशन है। बट कंपटीशन में आपको टिकना है, आपको रहना है, तो आप कैसे रहोगे? तो उस केस के अंदर आपको या तो अपनी रेट्स जो है वो कम करनी पड़ेगी, या फिर आप क्या करोगे, उतनी स्टेबल रेट्स रखो, लेकिन आपको कुछ ना कुछ उसमें यूनिक करना पड़ेगा, तो ही लोग आपके पास आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। इतना मतलब वर्ल्ड इज फुल ऑफ कॉम्पिटिशन हम बोल सकते हैं, और ऐसा नहीं हर फील्ड में कॉम्पिटिशन है, बट बेटा अगर आपको रहना है तो उस केस में आपको कुछ यूनिक करना पड़ेगा। डेट इज कॉम्पिटिशन इज ऑल्सो रिस्क। लेजिस्लेशन, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन चेंज होते रहते हैं, गवर्नमेंट कभी कुछ इम्पोज करता है, कभी कुछ टैक्सेस लगा देता है, कभी कुछ प्रोडक्ट्स को बैन कर देता है, तो ये सब क्या है, ये सब एक रिस्क है। जो मैं आज गुड्स बना रही हूँ वो बैन हो गए तो उसके टैक्स रेट्स बढ़ गए तो लोग लेना बंद कर देंगे, तो ये क्या है, मुझे तो टैक्स रेट देने पड़ेंगे और इसके लिए मुझे कस्टमर से लेना पड़ेगा, अब उसमें मैं क्या करूँ? या तो मुझे मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करनी पड़ेगी, जो रेट पे मैं सेल कर रही थी उसी पे मुझे सेल करना है, कैसे करूँ? प्रॉफिट मार्जिन कम करूँ, क्या करूँ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करूँ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करूंगी तो शायद मुझे चीप रेट्स वाले मुझे रॉ मटेरियल्स लगाने पड़ेंगे, क्वालिटी मेरी चीप हो जाएगी, तो ये सब बहुत सारे रिस्क बिजनेस के अंदर क्रिएट हो सकते हैं। एंड देन अनसर्टेनिटी ऑफ डिमांड, आज टेस्ट ये है कल टेस्ट वो रहेगा कस्टमर्स का, आज ट्रेंड में कुछ चल रहा है कल ट्रेंड में कुछ चलेगा, होता है ये सब चीजें, राइट? तो वो सब चीजें, डिमांड जब चेंज होती है तो बिजनेस अल्टीमेटली रिस्क में आ जाता है। तो वही चीज है कि हम देखते हैं, पहले लेगिंग्स चल रही थी, अब पैंट्स चल रहे हैं, तो क्या है, लेगिंग्स वालों की शॉप क्या हो गई, डाउन हो गई डिमांड उनकी। यस गर्ल्स, राइट? पहन रहे हो सब लोग पैंट्स या नहीं, लेगिंग्स ही? मैम यार अभी थोड़े बहुत तो लेगिंग्स है, वही काम चला लेते हैं, कोरोना में तो मम्मी बोल रही है वैसे भी गई जाना तो है नहीं, तो जो पहले की लेगिंग्स पड़ी है उनसे तो काम चला ले, घर पे ही तो रहना है, तो वो बात भी सही है, लेकिन हम बाहर जा रहे तो मैम हमें पैंट्स चाहिए, राइट? तो वही चीज है कि अब हम और परचेज नहीं करेंगे ना लेगिंग्स, तो वही चीज है कि लेगिंग्स जो थी उसकी डिमांड कम हो गई है, क्लियर? एंड देन लास्ट इज फिजिकल रिस्क। फिजिकल रिस्क क्या हो सकता है, डैमेज हो गया है ना, मशीनरीज में कुछ लीकेज हो गया, कुछ एक्सीडेंटल हो जाती है, कुछ केयरलेसनेस ऑफ एम्प्लॉयज की वजह से कुछ टूट गया फूट गया, तो ये सब क्या है, ये सब फिजिकल रिस्क है जो कि हमें वापस लाने में उतनी मेहनत उतना अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ जाता है। तो वही चीज है, ये सारे हमने कॉसेस देखे बिजनेस रिस्क के, आई थिंक इट्स क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज प्रोफेशन। सो व्हाट इज प्रोफेशन, जब हम बोलते हैं कोई स्पेशलाइज नॉलेज है हमारे पास, स्पेशलाइज नॉलेज की डिग्री है हमारे पास, तो उसे बोला जाता है प्रोफेशन, जैसे सीए हो गया, सीएस, लॉयर, डॉक्टर, व्हाट इज दैट, दैट इज ऑल अबाउट द प्रोफेशन। सो अ पर्सन विद स्पेशलाइज स्किल नॉलेज ट्रेनिंग एंड प्रोफेशनल एडुकेशन रेंडर सर्विसेज एंड इन रिटर्न रिसीव द फीस, इट इज कॉल्ड प्रोफेशन, राइट? तो हम प्रोफेशन की स्टडीज करते हैं, उसके बाद वो प्रोफेशन हम करते हैं, क्या चार्ज करेंगे फीस, ऐसे ही मैं फ्री में तो दूंगी नहीं सर्विसेज, राइट? तो वही चीज है, और यहाँ पे मैंने ये पिक्चर बताई है, इसमें 50 टाइप्स ऑफ आपको प्रोफेशन दिए हैं, दैट इज डॉक्टर हो गया, लॉयर, देन म्यूजिशियन, देन कोरियोग्राफर, ये सब क्या है, ये सब प्रोफेशन, अलग अलग टाइप के प्रोफेशन होते हैं, डू वॉट एवर यू आर इंटरेस्टेड इन डूइंग, क्लियर? तो ये है हमारा प्रोफेशन। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स आर गिवन, चार्जेस फी, ऑब्वियसली अगर हम कोई प्रोफेशनल सर्विसेज देंगे तो फ्री में तो देंगे नहीं, हम उसमें फीस चार्ज करेंगे, सीए, सीएस, लॉयर, डॉक्टर कोई भी है तो क्या करता है, हमसे फीस चार्ज करता है, थोड़ी नहीं बहुत चार्ज करता है। नेक्स्ट स्पेशलाइज नॉलेज, ये पहले ही बताया प्रोफेशन के लिए आपको एक्सपर्टाइज नॉलेज होना चाहिए, जब भी आपको उसकी डिग्री मिलती है तो उसमें बहुत मेहनत भी लगती है और फिर आपको वो डिग्री मिलती है तो उसे बोला जाएगा कि आपके पास स्पेशलाइज नॉलेज है, आप एक्सपर्ट हो उस फील्ड के। नेक्स्ट इंडिपेंडेंट एक्टिविटी, अब सीए है क्या वो किसी पे डिपेंडेंट है, नहीं, उसको पता है कि उसे क्या करना है, उसे सी वो एक सीए है, उसका एक प्रैक्टिसिंग ऑफिस है और उसके हिसाब से वो अपना वर्क करता है, जो भी ऑडिटिंग है, टैक्सिंग है, जो भी उसे वर्क करना है वो करता है, क्या वो किसी पे डिपेंडेंट है, नहीं है, तो दैट इज इंडिपेंडेंट एक्टिविटी है। नो रिलेशन विद प्रोडक्शन, अब इसके अंदर कोई क्या प्रोडक्टिव है, क्या कुछ प्रोडक्शन कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, कोई भी अगर लॉयर है तो वो क्या कर रहा है, अपने क्लाइंट के बिहाफ पे जाके केस को फाइल करेगा, केस करेगा, तो उस केस के अंदर वो किसी के बिहाफ में कर रहा है, तो ये खुद का उसका कोई प्रोडक्शन वो नहीं कर रहा है। ऑब्जेक्टिव, अब ऑब्जेक्टिव इसके अंदर क्या है, सर्विस देना या प्रॉफिट तो है, आप बोलोगे फीस कमाना तो होता ही है, लेकिन जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनका मेन एम क्या होता है कि सबसे पहले मैं मेरे क्लाइंट्स को अच्छी सर्विसेज दे सकूं, जितनी अच्छी मैं सर्विसेज दूंगा वापस क्लाइंट्स मेरे पास आएगा, तो ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा इसका कि सर्विसेज अच्छे से अच्छी दे सके। कोड ऑफ कंडक्ट हर प्रोफेशंस का,
हर एक प्रोफेशनल एसोसिएशन होते हैं जिससे कोड ऑफ कंडक्ट क्रिएट होते हैं। सीए का है अलग, सीएस का अलग है, लॉयर डॉक्टर सबका अलग है, तो उन्हें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने रहते हैं। एंड लास्ट इन अनसर्टेन रिटर्न, जितने आपके क्लाइंट्स हैं कस्टमर्स आपके क्रिएट होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको रिटर्न मिलेगा, तो दैट इज ऑल्सो दी अनसर्टेन रिटर्न। देन नेक्स्ट इज मेमोरी टेक्निक, जो मैंने आपको बताया कि कैरेक्टरिस्टिक्स की मैंने मेमोरी टेक्निक दिया। अब इसमें जो कैप्स में लिखा है वो क्या है, जो कैप्स में है वो आपका पॉइंट्स को इंडिकेट करेगा। क्लियर? सो दैट इज चैलेंज टू डू स्पेशलाइज, चैलेंज में आपका सी कैप्स में है, सो इट इंडिकेट्स दी फर्स्ट पॉइंट चार्जेस फीस। टू डू स्पेशलाइज, स्पेशलाइज जो दिया है आपको, स्पेशलाइज आपका इंडिकेट करता है स्पेशलाइज नॉलेज। सेकेंड पॉइंट इन आई एन, दैट इज इंडिपेंडेंट एक्टिविटी एंड नो रिलेशन विद प्रोडक्शन। एंड अर्न अनसर्टन रिटर्न, एंड दैट इज अनसर्टन रिटर्न इज अ पॉइंट, एंड ओसी में आ गया ऑब्जेक्टिव एंड कोड ऑफ कंडक्ट। तो ये क्या हो गया आपका, ये पूरा एक मेमोरी टेक्निक हो गया जिससे आप ये पॉइंट्स को लर्न आउट कर सकते हो। क्लियर? देन नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट से समझ में आ रहा है मतलब क्या होता है इसका, जॉब। हमें तो कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, मैं तो बस चाहती हूँ यार कि बस 5-6 घंटे जाके जॉब कर लूँ और अर्न कर लूँ। होता है ये किसी का नेचर, बहुत सारे लोगों का होता है यार, बिजनेस में कितनी मगजमारी है, कितना सोचना पड़ता है, दिन भर ध्यान ही नहीं रहता है, घर पे भी आ जाओ तो भी बिजनेस का टेंशन है। तो बहुत सारे देखो नेगेटिव पॉइंट्स और सबके पॉजिटिव पॉइंट्स अलग अलग होते हैं, वही चीज है। तो एम्प्लॉयमेंट जो बोलता है कि ज्यादा जिसको मगजमारी करनी नहीं है, जिसको इतना दिमाग लगाना नहीं है, वो क्या कर लेता है कि हम तो यार जॉब कर ले, मैं तो सेटिस्फाइड हूँ। तो दैट इज व्हाट, दैट इज कॉल्ड द एम्प्लॉयमेंट जॉब। Clear? Now some characteristic, that is first one fixed salary. पता ही हमें जॉब करने जाएंगे तो आपको एक फिक्स सैलरी दे दी जाएगी, दैट इज 50,000 पर मंथ, 1 लाख फॉर दी पर मंथ, तो वो भी जो भी रहेगा वो आपका फिक्स रहेगा। सेकेंड फॉलो दी रूल्स, ऑब्वियसली आपके कॉन्ट्रैक्ट में ऑलरेडी लिखा होगा कि आपको ये रूल्स यहाँ पे फॉलो करने हैं। यू हैव टू रीच बाय 11 मीन्स यू हैव टू रीच बाय 11, यू डोंट हैव टू यूज द नेक ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स, सो यू डोंट हैव टू यूज, तो ये सब कुछ रूल्स रहेंगे जो आपको फॉलो करने होंगे। नेक्स्ट वर्क एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, आपको जो कॉन्ट्रैक्ट आपका दिया हुआ है उसमें सब कुछ आपको असाइंड वर्क रहेगा कि आपको इस फील्ड में वर्क करना है। ऑब्वियसली आप जब जाते हो कोई जॉब लेने तो आपको पहले डिसाइड करवा देते हैं कि आपका ये वर्क है, आपको ये करना रहेगा, तो उस फील्ड के अकॉर्डिंग आपको वर्क दिया जाएगा। प्री डिटरमाइंड कंडीशंस, आपके पहले ही बता दिया जाएगा कि भाई क्या क्या क्वालिफिकेशन हमें चाहिए, आपका टाइमिंग ये रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट आपका, तो सब कुछ पहले प्री डिटरमाइंड कंडीशन कोई भी जॉब में जो आपको बता दी जाएगी। अदर बेनिफिट्स हो सकते हैं आपको कुछ अलाउंसेस दे, कुछ इंसेंटिव्स दे, अलाउंसेस जैसे मैंने कहा इन कैश दिया जाता है आपको, मेडिकल अलाउंस दे दिया कि आपको मंथली 15,000 का अलाउंस दिया जा रहा है, या हाउसिंग अलाउंस दिया जा रहा है, कुछ भी अदर फैसिलिटीज दी जा रही है। देन नो कैपिटल इन्वेस्टमेंट, क्या ये कोई बिजनेस है जो मैं खुद का बिजनेस स्टार्ट किया तो मुझे कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, नहीं, ये तो मैं किसी के जहाँ जाके जॉब कर रही हूँ तो उस केस के अंदर मेरा यहाँ कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं, ये तो सबसे अच्छी चीज है इसमें, मेरा कोई खर्चा नहीं, जाके काम करना है और अर्निंग करनी है, राइट, तो ये सबसे बेस्ट हो जाएगा। इंडिपेंडेंट एक्टिविटी, लेकिन इसमें सुनना बहुत पड़ता है, राइट, और आजकल के स्टूडेंट्स में तो सुनने की शक्ति है नहीं, पेशेंस कहाँ है बेटा अपने में, है क्या, नहीं है, कोई भी मम्मी पापा भी थोड़ा सा भी बोल दे तो गुस्सा आ जाता है ना, तो वही चीज है कि आजकल हम लोगों में सुनने की कैपेसिटी नहीं रही। तो वही चीज है कि जॉब में हम बोलते हैं आजकल ज्यादा लोग नहीं टिक पाते हैं, क्यों, क्योंकि बॉसी नेचर, देखो बॉस का तो बॉसी नेचर रहेगा ही, वो हमें क्या बोले, कभी कुछ बोलता रहेगा, राइट, पोक करता रहेगा और वो हमें पसंद नहीं आता है। तो वही चीज है कि अगर आप एम्प्लॉयमेंट में जा रहे हो तो आपको 10 बार सोच के जाना चाहिए, क्योंकि ये पूरी डिपेंडेंट एक्टिविटी है, आपको सिर्फ आप अपने हिसाब से कुछ वर्क नहीं कर सकते हो, जितना आपको बोला जाएगा आपको उतना ही करना है। क्लियर? अब इसके लिए मेमोरी टेक्निक मैंने बताई है, फिशेज एंड वॉटर बर्ग्स इन पॉन्ड, राइट, तो फिशेज में डबल एफ आ गया आपका, ये फिशेज में आपका डबल एफ आ गया, तो हो गया फिक्स सैलरी फॉलो द रूल्स, एंड वॉटर बर्ग्स डब्ल्यू इज फॉर वर्क एज पर कॉन्ट्रैक्ट, इन पॉन्ड POND दैट इज प्री डिटरमाइंड, अदर बेनिफिट्स, नो कैपिटल इन्वेस्टमेंट, एंड लास्ट इज डिपेंडेंट एक्टिविटी। क्लियर है? तो ये सब हो गए मेरे यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स किसके, अपने एम्प्लॉयमेंट के देख लिए। क्लियर? नाउ कंपैरिजन दिया है जो हमने अभी तक पढ़ा बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट का, सो एक बार रीड आउट कर लेते हैं, वॉट इज दैट, फर्स्ट वन नेचर ऑफ वर्क। अब नेचर ऑफ वर्क सबसे पहले बिजनेस में क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज है, हमें वो एक्सचेंज करके हमें प्रॉफिट अर्न करना है, दैट इज बिजनेस।
प्रोफेशन में हमें क्या करना है, प्रोफेशन में सर्विसेज दी जाएगी और उसके रिटर्न में हमें फीस मिलेगी। एंड एम्प्लॉयमेंट में, एम्प्लॉयमेंट में आपको रूल और कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग वर्क करना है, दैट इज एम्प्लॉयमेंट। तो ये नेचर ऑफ वर्क हो गया। सेकेंड क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो बिजनेस में आपको क्या कोई क्वालिफिकेशन चाहिए? नहीं, मेरा खुद का बिजनेस मुझे स्टार्ट करनी है, शॉप स्टार्ट करनी है, तो क्या मुझे कोई पूछेगा क्वालिफिकेशन? नहीं पूछेगा, मैं ऐसे ही स्टार्ट कर सकती हूँ। प्रोफेशन में आपको एक्सपर्टाइज क्वालिफिकेशन ऑब्वियसली उसके अंदर चाहिएगी, आपको ट्रेनिंग होना चाहिए, एक्सपर्टाइज नॉलेज होना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट में आपको सब क्या करना है, नेचर ऑफ जॉब के अकॉर्डिंग करना है, तो इसमें कुछ क्वालिफिकेशन एज सच रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन हम बोलते हैं कि हाँ आपको जॉब आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही मिलती है। देन नेक्स्ट इज, दैट इज रिवॉर्ड और रिटर्न। अब बिजनेस में क्या है, रिवॉर्ड प्रॉफिट, प्रोफेशन में फीस मिलेगी और एम्प्लॉयमेंट में सैलरी वेजेस हो जाएगा। दैट इज ऑल अबाउट द नेचर ऑफ वर्क, क्वालिफिकेशन एंड रिवॉर्ड और रिटर्न। देन नेक्स्ट इज कैपिटल। बिजनेस में कैपिटल रिक्वायरमेंट होगा हमारा, राइट? उसमें हमें जिस टाइप का आपका बिजनेस है उसके अकॉर्डिंग आपको कैपिटल रिक्वायरमेंट होगा। प्रोफेशन में भी चाहिएगी, लिमिटेड कैपिटल जब आप स्टेब्लिश करते हो एक बार तब आपको चाहिए रहती है। एंड लास्ट इज एम्प्लॉयमेंट में आपको कोई कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं है। देन रिस्क की अगर हम बात करें तो बिजनेस में हमें बहुत ज्यादा रिस्क रहता है, प्रोफेशन के अंदर हमें रिस्क थोड़ा कम रहता है कि हमें फीस नहीं मिलती उसका रिस्क हो जाता है, एम्प्लॉयमेंट में हमें कोई रिस्क रहता ही नहीं क्योंकि फिक्स सैलरी आनी है। देन नेक्स्ट इज कोड ऑफ कंडक्ट, दैट इज बिजनेस के अंदर हमारे खुद के प्रोविजंस बनते हैं, लीगल प्रोविजंस जो है वो आपको बिजनेस में फॉलो करने होंगे। प्रोफेशंस में जो भी एसोसिएशन है वो आपको बताएगी, सीए तो सीए वाले बताएंगे, सीएस वाले तो आईसीएसआई बताएगी, तो वो उसके अकॉर्डिंग आपको फॉलो करने रहेंगे। एंड एम्प्लॉयमेंट में आपका कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो भी कोड ऑफ कंडक्ट रूल्स हैं वो आपको फॉलो करने हैं। एंड लास्ट इज ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। अब इसके अंदर क्या होगा, बिजनेस में पॉसिबल है, बिजनेस में आप अपना ओनरशिप ट्रांसफर कर सकते हो, प्रोफेशन में कर सकते हो नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। कैसे करोगे? क्योंकि प्रोफेशन में तो क्या होगा कि मेरे पास खुद के पास जो डिग्री है मेरे नाम से मैं क्या किसी को दे सकती हूँ? नहीं दे सकती। एंड एम्प्लॉयमेंट इस केस में भी हमारा कोई भी इस तरीके से आप ओनरशिप नहीं दे सकते क्योंकि मैं खुद ही ओनर नहीं हूं तो कैसे दूंगी। क्लियर? तो ये सब चीजें हमने क्या देखा, ये सब चीजें हमने एक तरीके से इनका कंपेरिजन देख लिया, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट का। सो डन फॉर टूडे। तो ये मेरा फर्स्ट वीडियो जो हमने फर्स्ट चैप्टर के लिए देखा है। अब हमारा इसके अंदर एक टॉपिक और बाकी है, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो होपफुली आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर कुछ लगता है तो सजेशंस भी दीजिए। ओके, सो बाय।